दोस्तों हमारे देश के अंदर जितना एक गरीब आदमी के घर का नंग नहीं लीक होता होगा, जितना कि सरकारी परीक्षा के पेपर लीक हो जाते हैं। चाहे आप यूपी बिहार से लेकर राजस्थान और एमपी जैसे नॉर्दर्न के स्टेट हो या फिर महाराष्ट्र गुजरात कर्नाटका और तेलंगाना जैसे दक्षिण के राज्य, हर जगह हमने भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं का मजाक बनाकर रख दिया। गरीब व मिडिल क्लास के बच्चे अपने परिवार की सामाजिक स्थिति को बेहतर करने के लिए वर्षों इस परीक्षा की तैयारियां करते हैं और अलग अलग परीक्षाओं में बैठने की फीस भरते हैं और फिर बसों और ट्रेनों में भेड़ की तरह गद कर परीक्षा देने जाते हैं और फिर पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। साग भर की मेहनत मिट्टी में मिंग जाती है और जो सपने देखे थे वह सपने ही रह जाते हैं और फिर क्या, फिर से वही संघर्ष और बदहाली। दोस्तों इसी पेपर लीक की बीमारी से लड़ने के लिए केंद्र सरकार ने 5 फेब को पब्लिक एग्जामिनेशन विंग लाकर पेपर लीक की इस बीमारी का वैक्सीनेशन करने का प्रयास किया, जिसे आम भाषा में एंटी चीट विंग भी कहा जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम सरकार के इस कदम पर विस्तार से चर्चा करेंगे और यह भी जानेंगे कि यह विंग युवाओं की मदद कर सकेगा या नहीं। जब मुझे लगा कि मामला गहरा है और ये भर्ती परीक्षाओं तक गया तो मैंने इसकी जाँच एसटीएफ से कराने के निर्देश दिए। इस मामले से हुई संदिग्ध हालातों में मरने वालों की संख्या 40 तक हो सकती है। कर ली होगी हिंदुस्तान ने बहुत तरक्की, तकनीक भी हमारी दुनिया भर में तारी है, लेकिन एक अदद भर्ती परीक्षा आज भी बिना लीक के देश के किसी राज्य में जैसे हो ही नहीं पाती। दोस्तों हम सभी को बचपन से एक बात हमेशा से सिखाई गई है कि हमारे हाथ में हमारी किस्मत नहीं होती, परंतु मेहनत करके हम अपनी तकदीर अपने हाथों से स्वयं लिख सकते हैं, बस हमें मेहनत करना नहीं छोड़ना चाहिए। मगर देश के युवाओं का इस बात से भरोसा अब उठ रहा है क्योंकि वह एक नौकरी को पाने के लिए जी जान से पहले मेहनत करता है और अपने जीवन का सबसे कीमती समय अपनी जवानी के बहुत सारे साग इन परीक्षाओं की तैयारी करने में गंवा देता है। पर इतना सब करने के बाद उसे एहसास होता है कि उसे तो अपना टैलेंट दिखाने का तो मौका ही नहीं मिल रहा, वह बस परीक्षा की तैयारी ही करता जा रहा है और परीक्षाएं रद्द होती जा रही हैं। अब हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि पिछले 5 सालों में अकेले राजस्थान में 12 से ज़्यादा परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं और मध्य प्रदेश और तेलंगाना में 10 से अधिक। वहीं बिहार में 1.5 साल पहले बिहार लोक सेवा आयोग का ही पेपर लीक हो गया था, जिसमें 7 लाख से भी ज़्यादा बच्चे पेपर देने वाले थे और जब जांच की गई तो पता चला कि पैसे नहीं करके उत्तर उन्हें दे दिए जाते थे। इसी तरह यूपी में 1 साल पहले टीटी की परीक्षा का पेपर वायरल होना हो, चाहे राजस्थान में पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा का पेपर वायरल होना हो, या फिर 2021 में राजस्थान में रीट परीक्षा को लेकर बात फेंकने का, जिसमें तो बोर्ड के अध्यक्ष को भी सस्पेंड कर दिया गया था। इसमें शर्म की बात यह है कि इसमें एक आरएएस, आरपीएस और शिक्षा विभाग के 13 लोगों के साथ पुलिस वाले भी शामिल थे। इसका मतलब था कि पूरी स्टेट मशीनरी ही इसमें इन्वॉल्व थी और यह सब जितने भी मामले मैंने आपको बताया यह सारे पिछले 2 से 3 सालों के, और यह सब बहुत ही कम मामले हैं, इनसे कहीं ज्यादा मामले तो बताए भी नहीं जा सकते। आप बस अंदाजा लगाइए कि कितने संगठित, सिस्टमैटिक और व्यंग्यपूर्ण तरीके से देश के युवाओं को लूटा जा रहा है। पिछले साल इंडियन एक्सप्रेस ने एक इन्वेस्टिगेशन किया था जिसके तहत यह बताया गया कि देश के 15 राज्यों के 41 जॉब रिक्रूटमेंट एग्जाम्स पे पेपर लीक या फिर चीटिंग के चलते पेपर रद्द हुआ। An investigation by the Indian Express found at least 41 instances of paper leaks in 15 states over the last 5 years, in which the process of hiring for government job was disrupted. जिसमें 1.5 लाख से भी ज्यादा के पोस्ट थे और इसमें प्रभावित होने वाले युवा 1.5 करोड़ से भी ज्यादा थे। और यह युवा कौन थे? शायद मेरे और आप जैसे युवा, शायद जिनके घरों में कितने सालों तक उनके पेरेंट्स ने एक रोटी कम खाई होगी कि उनका बच्चा सफल हो सकेगा, परंतु दिन दहाड़े उनके हक को किसी और को दिया जा रहा है। दोस्तों 5 फेब को केंद्र सरकार ने इसी पेपर लीक और पेपर चीटिंग को रोकने के लिए पब्लिक एग्जामिनेशन बिल 2024 को पेश किया, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के रिक्रूटमेंट एग्जाम जैसे कि यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और नीट, जेई और सीयूईटी जैसे प्रवेश परीक्षाओं में पेपर लीक, चीटिंग के साथ साथ ऑर्गेनाइज रूप से सक्रिय गिरोहों और संस्थाओं को रोकने का प्रयास किया गया। क्योंकि दोस्तों आपको यह जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि भारत में केंद्रीय रूप से इन सब को रोकने के लिए आज तक कोई कानून ही नहीं बना था, और हाँ कुछ स्टेट्स हैं जिन्होंने अपने स्तर पर कुछ कानून बनाने का प्रयास तो किया है। दोस्तों इस विंग को और भारत सरकार के इस प्रयास को समझने से पहले हमें पहले ये समझना होगा कि आखिर यह पेपर के सेट होने से लेकर आप तक पहुंचने तक का प्रोसेस आखिर है क्या, और आखिर पेपर किन किन स्टेप्स पर लीक हो सकता है। दोस्तों
पेपर छपने से लेकर आप तक परीक्षा हॉल में पहुंचने तक के चार स्टेप्स होते हैं। पहले जहां पेपर सेट होता है वहां पर सीनियर लोग होते हैं और जिस बोर्ड में पेपर होता है उसके अध्यक्ष होते हैं, और जिस जगह पर पेपर डिस्कस होता है वहां पर किसी को भी रिकॉर्डर और मोबाइल ले जाने की छूट नहीं होती, और पेपर के सवालों के भी 5 से 6 सेट बनाए जाते हैं और फिर उन्हें एक दूसरे में मिला दिया जाता है। पेपर के क्वेश्चंस को हाथ से लिखा जाता है और फिर उसे एग्जाम से जुड़े सॉफ्टवेयर में डाल दिया जाता है। जिस कंप्यूटर के जरिए ये सारा अपडेटेशन होता है वह इंटरनेट से जुड़ा नहीं होता और ना ही इसमें पेन ड्राइव लग सकती है। इसका मतलब हुआ कि ऑनलाइन हैकिंग संभव ही नहीं, अतः इस स्टेप पर पेपर लीक संभव नहीं। अब दूसरा स्टेप जिसमें प्रिंटिंग प्रेस में पेपर छपते हैं। अब देखा जाए तो पहले यह पेपर सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में छपते थे, लेकिन जब से यह पेपर प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेस में छपने लगे हैं वहां इसके लीक होने के चांसेस और भी बढ़ गए। वहीं तीसरा स्टेप, जो एजेंसी इस पेपर को कंडक्ट करती है वहां से भी यह पेपर लीक हो सकता है। अब सरकार ने स्टेप 2 और स्टेप 3 की प्रक्रिया में धांधलगिरी को रोकने के लिए विंग के सेक्शन 11 में लिखा है, इफ अ पर्सन और ए ग्रुप ऑफ पर्सन इंक्लूडिंग एग्जामिनेशन अथॉरिटी और सर्विस प्रोवाइडर और एनी अदर इंस्टीट्यूशन कमिट एनी ऑर्गेनाइज क्राइम ही शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म नॉट लेस देन 5 ईयर, यानी कि 5 साल से ज़्यादा की सजा, एग्जाम का खर्च और 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा के जुर्माने का प्रावधान किया गया। अब आते हैं एग्जाम के स्टेप 4 पर, जहाँ पर एग्जाम कंडक्ट होता है। अब जिस एग्जामिनेशन सेंटर पर जहाँ पेपर रखा है वहाँ से पेपर लीक होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, और जितने भी पेपर लीक आज तक इस मामले में देखे गए हैं वहाँ पर 90% से भी ज़्यादा के केस में जिस संस्थान की पेपर करवाने की जिम्मेदारी थी वही इसमें लिप्त पाए गए, और ये लोग पैसे की लागच में या फिर पॉलिटिकल गेन के लिए पेपर लीक करते हैं, और ये ताकतवर लोग स्टूडेंट्स से 25 से 50 लाख रुपए तक लेकर पेपर लीक करते हैं। परंतु दोस्तों, एक स्टूडेंट तो इतने सारे पैसों को नहीं दे सकता है, तो वह अपने साथ और भी बच्चों को शामिल कर लेता है। अब इससे बच्चों की एक चैन बन जाती है, और कई बार तो ये होता है कि एग्जाम की डेट आते आते वही पेपर व्हाट्सएप पर आ जाता है और 500-500 रुपए में बिकने लगता है और हंगामा खड़ा हो जाता है और फिर पेपर रद्द हो जाता है। अब इस स्टेप पर होने वाले चीट और लीक को रोकने के लिए सरकार ने पब्लिक एग्जामिनेशन विंग 2024 के सेक्शन 10 में कहा है कि कोई व्यक्ति यदि ऐसा करता पाया गया तो उसके लिए 3 से 5 साल तक की सजा है और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना, और यदि वह जुर्माना भरने पर डिफॉल्ट करता है तो उसे भारतीय न्याय संहिता 2013 यानी कि वर्तमान IPC के अंतर्गत और भी सजा दी जा सकती है, और यदि कोई स्कूल या फिर सर्विस प्रोवाइडर इसमें नियुक्त पाया गया तो 1 करोड़ रुपए और एग्जामिनेशन कॉस्ट उसी से लिया जाएगा, और 4 साल के लिए वह किसी भी परीक्षा को कंडक्ट नहीं करवा पाएगा यानी कि उसे बैन कर दिया जाएगा। दोस्तों, अभी तक कितने पेपर लीक होने के बाद भी कितने लोग होंगे जिनको सजा हुई होगी या फिर कितने लोगों की नौकरी गई होगी? शायद बहुत ही कम, क्योंकि यह लीक करवाने का खेल व्यंग प्लांट तरीके से होता है। परंतु इस विंग के आने के बाद से ये उम्मीद की जा सकती है कि इस लीक पर तथा लीक से होने वाली सभी गुंजाइशों को रोका जा सकेगा, और शायद इसलिए इस विंग के सेक्शन 12 में यह प्रावधान किया गया है कि DSP और SP रैंक के ऊपर के लोग ही इसका इन्वेस्टिगेशन कर सकेंगे। परंतु दोस्तों, यह खेल भी बड़े ही व्यंग प्लांट तरीके से खेला जाता है। पेपर लीक करवाते वक्त एक ऐसा आदमी भी तैयार कर लिया जाता है जो कंग यदि पोंग खुंगे तो आगे आ करके जिम्मेदारी लेंगे, और बदले में उस आदमी के परिवार को एक मोटी रकम भी दे दी जाती है, और यह सब कुछ बिना पॉलिटिकल बैकअप के हो ही नहीं सकता, और इसलिए किसी भी रैंक का कोई भी पुलिस वाला हो वह दबाव में जरूर रहता है। मुझे अभी भी एक घटना याद है कि कई साल पहले यूपी में एक बड़ी परीक्षा के पेपर लीक के अगले दिन ही पुलिस ने बयान दिया था कि यह सब तो मोकंग एवं के क्रिमिनल का काम है और यह किसी ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले एजेंसी का काम नहीं है। ऐसा उस समय शायद इसलिए भी कहा गया था कि छोटे अपराधियों से जोड़कर चीज़ों को आसानी से रफा दफा किया जा सकता है, लेकिन इन चीज़ों के बीच में यही सवाल फिर से उठ खड़ा होता है कि आखिर पेपर लीक का सॉल्यूशन क्या इस बिंग से निकलेगा या नहीं। तो दोस्तों, पेपर लीक को रोकने के लिए 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, पहला नकल रोकने के लिए कानून और दूसरा पेपर लीक करवाने वालों की इंटीग्रिटी। अब जहां तक बात रही कानून की,
तो केंद्र सरकार ने पब्लिक एग्जामिनेशन विंग लाकर शुरुआत तो कर दिया, परंतु इस विंग में भी हियरिंग के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का ना होना तथा इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी भी केंद्रीय एजेंसी की बात का ना होने से मुझे पर्सनल तौर पर इस एक्ट की कमी ही लगी, क्योंकि यदि क्राइम ऑर्गेनाइज नहीं होता तो इतना बड़ा बनता ही नहीं। आप एक्ट चाहे जो भी गया, परंतु यदि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ही सशक्त नहीं होगी तो उसका कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि जुर्म करने वाले बड़े व पावरफुल लोग छोटे मोटे अपराधियों को पकड़ने से इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। या तो वही वाली बात हो जाएगी ना कि आपको पता है कि गंगा के गंगोत्री के पास गंदगी है और आप गंगा को इलाहाबाद में जाकर साफ कर रहे हैं। दोस्तों, बाकी के प्रावधानों में मुझे कोई और भी समस्या दिखाई नहीं देती, परंतु दोस्तों अभी तक के पेपर लीक के केसेस सबसे ज्यादा स्टेट एग्जाम्स से हैं और अब सेंटर ने तो इसकी शुरुआत कर दी है। अब राज्यों को भी चाहिए कि यदि वो इसको लेकर गंभीर और सीरियस हैं तो वह भी ऐसा ही कानून बनाए, परंतु पुलिस को ज्यादा पावर जिससे इसमें सम्मिलित अपराधियों का कन्वेक्शन हो सके। और जहां तक बात रही पेपर करवाने वाले व्यक्तियों के इंटीग्रिटी की, तो चाहे पेपर सेट करने वाला पैनल हो, पेपर करवाने वाली एजेंसी हो या परीक्षा केंद्र में बैठे हुए लोग, जब तक ये लोग अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। इन्हें बस यह चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि पेपर लीक करवाना कोई पर्सनल करप्शन नहीं है, बल्कि करोड़ों युवाओं के सपनों का कत्ल करना है, उन यंगस्टर के अरमानों पर डाका डालना है जो परीक्षा में बैठने से पहले न जाने कितने सारे सपने देखते हैं, न जाने कितने घंटे खपाते हैं, उन सपनों को पूरा करने से पहले न जाने कितने दिन खाना भी शायद ना खाकर अपने शरीर को भी जगाते हैं, अपनी मेहनत से अपने माँ बाप के दिन बदलने की उम्मीद रखते हैं, और जब बच्चे परीक्षा में ही नहीं बैठ पाते तो उन पर और उनके परिवार पर क्या बीतता होगा। इन नौजवानों में हर एक यंगस्टर बस यही चाहता है कि मैं मेहनत करूं और मेरी नौकरी लग जाए और मैं अपने पारिवारिक मुखिया की नौकरी छुड़वा सकूं, नौकरी में जाकर माँ बाप की चिंताओं को दूर कर सकूं। और यदि देखा जाए तो पेपर लीक करवाने वालों का लालच करोड़ों का है और इन युवाओं की ख्वाहिश महज कुछ चंद हजारों की। किसी भी इंसान से उसकी मेहनत का हक छीनना सबसे बड़ा गुनाह है, और जो लोग ऐसा कर रहे हैं या उन्हें खुद ही सोचना होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।